Okay, students, now we will start Unit 7, Little Tiger and Big Tiger Story, textbook material. First of all, new words, twitched, T-W-I-T-C-H-E-D, twitched, P-O-U-N-C-E-D, pounced, S-H-A-D-Y, shady, B-E-L-L-O-W-E-D, beloved, G-R-U-N-T, grunt, R-O-A-R-E-D, road, P-H-E-A-S-E-N-T, pheasant, G-A-M-E, game, G-L-I-S-T-E-N-E-D, glisten, and F-O-W-L, fog. Now, here are some words with its meaning. You have to write in your notebook. Below means angry. Twitched means to make quick movement. Pounced means to attack somebody. Grunt. Its meaning is to make short or low sound in throat. Glisten means to shine. Pheasant means a type of a bird with a long tail. Fowl means hen. Now take the right answer. Question number 1. Where did the mother tiger and her small tiger cub live? So, as we know, as we study in our lesson, that they live near a river. Number 2 is, what did the mother tiger hunt when the sky was dark? So, she hunted for deer and pigs. Number 3 is, what did the tiger cub catch one night? Tiger cub one night kya catch karta hai? To hum sabko pata hai, wo frog ko pakadta hai. Question 2 is, what happened to the little tiger cub when he chases the frog? वो फ्रॉग को पकड़ता था तो उसके साथ क्या होता है, हम आंसर बोलेंगे उसका. द लिटल टाइगर लॉस्ट एंड सॉ अनदर टाइगर इन द जंगल. लिटल टाइगर फ्रॉग का पीछा करते करते खो जाता है जंगल में और उसे वहाँ पे दूसरा टाइगर दिखाई देता है और वो बिगर टाइगर होता है उससे. क्वेश्चन नंबर 3 इज, मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस. ओके, हॉर्स we have to match with colt, dog with puppy, cat with kitten, cow with calf, pig with piglet, tiger with cub, sheep with lamb, goat with kid, and duck with duckling. Okay, question number 3 is a word game. In your textbook, can you place this letter in the right order to form the names of animals? हमें ये spelling उल्टे सीधे दिए गए हैं, जंपल दिए गए हैं, हमको उन्हें अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उससे बनेंगे ओनली एनिमल्स नेम. ये जो उल्टे दिए हैं स्पेलिंग, तो हमें उसे अरेंज करके कोई भी एक एनिमल का नेम हमें मिलेगा. पहले देखते हैं एस ई एम ओ यू, तो उससे क्या होगा, एम ओ यू एस ई, माउस. नंबर 2 आर ई एस ओ एच, तो उसका होगा एच ओ आर एस ई, हॉर्स. नंबर 3 इज O I N L, तो उसका होगा L I O N, लायन. नंबर 4 P E S H E, तो उसका होगा H H डबल E P, शिप. नंबर 5 इज R E D E, देन उसका होगा D डबल E R, डियर. एंड नंबर 6 इज L U B U, तो उसका होगा B U डबल L, बुल. नंबर 7 जी आई टी ई आर, तो उसका होगा टी आई जी ई आर, टाइगर. एंड नंबर 8 एफ ओ डब्ल्यू एल, तो उसका होगा डब्ल्यू ओ एल एफ, वुल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, द एनिमल्स और बर्ड्स इन कॉलम ए हैव टू रीच देयर होम्स इन कॉलम बी, फाइंड आउट वेयर दे लिव. दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक. अभी लिव्स इन हाइव एंड आंट लिव्स इन एंथिल. बीच में ये लिव्स इन लिखा हुआ है, तो सब सेंटेंस के बीच में आपको लिव्स इन लिख के वो कहाँ पे रहते हैं, वो होम का नेम लिख के आपको ऐसे उसे सेंटेंस भी बनाना है. ओके, एन एंट लिव्स इन अ एंथिल, अ डक लिव्स इन अ पॉन्ड, अ टाइगर लिव्स इन अ डैन, अ रैबिट लिव्स इन अ बरो, अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब, अ स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट. Now question number 5 is, now write 6 sentences from the above picture. Okay, इस तरीके से हमें 6 sentences बनाने हैं. तो जैसे ही हमें match the following में लिखा,
इस तरीके से हमें अ टाइगर लिव्स इन अ डेन, अ बी लिव्स इन अ हाइव, एन एंट लिव्स इन एंट हिल, अ डक लिव्स इन अ पॉन्ड, अ स्पैरो लिव्स इन अ नेस्ट, अ स्पाइडर लिव्स इन अ वेब एंड अ रैबिट लिव्स इन अ बरो। इस तरीके से हमें उसके सेंटेंस में लिखना है। नाउ से अलाउड इज क्यू यू आई ई टी क्वाइट, एफ ई डबल एल ओ डब्ल्यू फेलो, बी आई डबल जी ई एस टी बिगेस्ट, आर आई सी एच ई आर रिचर, क्यू यू आई टी ई क्यूट, एस एच ए डबल एल ओ डब्ल्यू शैलो, एस एम ए डबल एल स्मॉल, आर आई सी एच ई एस टी रिचेस्ट, क्यू यू डबल ई एन क्वीन, एस डब्ल्यू ए डबल एल ओ डब्ल्यू स्वेलो, एस एम ए डबल एल ई आर स्मॉलर, पी ओ यू एन सी ई पॉन्स, क्यू यू ए डबल आर ई एल क्वारल, बी आई जी बिग, एस एम ए डबल एल ई एस टी स्मॉलेस्ट, बी ओ यू एन सी ई बाउंस, बी ई डबल एल ओ डब्ल्यू बिलो, बी आई डबल जी ई आर बिगर, एन आर आई सी एच रीच। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हु एम आई, हमें ढूंढना है। आपके टेक्स्ट बुक में वहाँ पे दिया गया है इट्स एन पजल टाइप, और आपको यहाँ एक फ्रेज दिया गया है कैसे कि आई गिव वूल, तो वूल हमें कौन देता है हम ढूंढने लिखेंगे। हमें पता है कि हमें शिप वूल देता है, तो उस तरीके से आंसर में उसको ब्रैकेट में नंबर के आगे हम शिप लिखेंगे। नंबर टू आई ले एग्स, तो एग्स हमें कौन देता है हैन। नंबर थ्री आई गिव यू मिल्क, मिल्क हमें कौन देता है काव। आई कैरी लोड्स, हमारे लोड्स कौन कैरी करता है डोंकी। आई नाई देन हॉर्स, आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड, तो मैंस का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है डॉग। आई लिव इन अ स्टे, स्टे मीन्स जो डर्टी थिंग्स होती है वो, तो स्टे में कौन रहता है पी। आई ब्लीट, तो ब्लीटिंग कौन करता है गोट। I am the sheep of the desert. The sheep of the desert कौन है कैमल। तो बच्चों इसी तरीके से आपको लिखना है। Here are some extra question you have to write in your notebook. Question 1 is fill in the blanks. The mother tiger and her tiger cub lived near a river. Okay, blank में क्या आएगा village or river, river. The mother tiger hunted for blank. So we know that the mother tiger hunted for deer and pig. Number 3, one night the tiger cub saw a blank hopping along the ground. अभी hopping कौन करता है frog या tiger? Obviously frog. The mother tiger blanked loudly. So roared. Number 5, the bigger tiger's green eyes glistened. Eyes कैसे glisten करती है red करती हैं? No. रेड तो जब भी एंग्रीनेस होता है तभी होती है, ग्लिस्टन चमकती कभी है जब भी वो ग्रीन होती है। एनिमल्स की आइज आप रात को देखना, वो रात को आपको उसकी चमकती आइज ग्रीन ही दिखाई देगी। नंबर टू क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स, द मदर टाइगर एंड हर टाइगर कब लिव्ड नियर अ जंगल। सो जंगल में रहते थे नहीं, जंगल के नज़दीक रहते थे नहीं, जंगल में रहते थे, रिवर के नज़दीक रहते थे, तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग्स, इट्स अ ट्रू। द टाइगर कब कॉट अ फिश, इट्स अ फॉल्स वन। द मदर टाइगर कब वॉज नॉट फ्रीटन ऑफ द बिगर टाइगर, द टाइगर कब वॉज नॉट फ्रीटन ऑफ द बिगर टाइगर, इट्स अ फॉल्स वन। All the animals were frightened of mother tiger. It's true. Okay, then you have to write this way in your notebook. Thank you very much.